नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हार्ट अटैक से निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। केशुभाई पटेल ने दो बार गुजरात का सीएम पद संभाला था। दो दिन पहले वह कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। केशुभाई पटेल की उम्र 92 साल थी। केशुभाई पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, केशुभाई ने जनसंघ और बीजेपी को मजबूत करने के लिए गुजरात की लंबी और चौड़ी यात्रा की। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया। किसान कल्याण के मुद्दे उनके दिल के सबसे करीब थे। उन्होंने विधायक, सांसद, मंत्री और सीएम के रूप में योगदान दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। गुजरात की प्रगति में और प्रदेश में बीजेपी संगठन को मजबूत करने में केशुभाई का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ईश्वर दिव्यंत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। केशुभाई पटेल ने पहली बार साल 1995 में गुजरात का सीएम पद संभाला था। इसके बाद वह 1998 से साल 2001 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। वह 6 बार राज्य में विधानसभा चुनाव जीते। केशुभाई पटेल ने साल 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।